अगर बनानी है झटपट आपकी ये पोहे या चिवड़ा की नमकीन, तो ये रेसिपी आप ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले एक हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई आप कोई सा भी ले सकते हैं, नॉनस्टिक हो या लोहे का। और गैस का फ्लेम चालू करके इसमें डाल देंगे हम मूंगफली। तो यहाँ मैं बिना ऑयल के मूंगफली भून रही हूँ, आप चाहें तो घी या ऑयल डाल के भी भून सकते हैं। इसको चलाते हुए हमें मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। और 2 से 3 मिनट लगेगा इसे भूनते हुए, देख सकते हैं आप ये भून गया है। अब मूंगफली को हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने सेम कढ़ाई लिया है, उसमें 1 बड़े चम्मच तेल डाला है, सरसों का तेल है ये। और इसको गर्म होने देंगे अच्छे से। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा इसमें ऐड कर लेंगे मिर्च और इसको भी भून लेंगे कलर रेड होने तक। और दोनों का कलर चेंज हो चुका है, अब इसमें ऐड कर ले प्याज और इसको भी भून लें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है हमें। और जैसे ही प्याज थोड़ा सा भून जाएगा इसमें ऐड कर लेंगे हल्दी। हल्दी से पोहे का कलर बहुत अच्छा आएगा। और नमक ऐड कर ले स्वाद अनुसार, जितना आपको पोहा ऐड करना है इसमें उसके हिसाब से। और इसको मिक्स कर लें और वापस से 1 मिनट भून लें। और अब इसमें ऐड कर लेंगे पोहा। या चिवड़ा जिसे बोलते हैं, और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको चलाते हुए हमें भूनना है जब तक चिवड़ा हमारा अच्छे से भून ना जाए। और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अब इसको हम भूनेंगे चलाते हुए। आप चाहे तो इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। इसको लगातार चलाते रहें, नहीं तो नीचे से जलने लगेगा। देख सकते हैं आप कितना अच्छा दिख रहा है अभी। ये बहुत जल्दी भून के तैयार हो जाता है और आप इसको जितना दिन चाहें उतना दिन स्टोर करके रख सकते हैं। और ये देखिए पोहे का कलर चेंज हो चुका है और ये अच्छे से भून भी गया है। इसको एक बार ऐसे चेक कर लें, एक दाना ले और हाथों से ऐसे मस ले। देखिए एकदम अच्छे से टूट जा रहा है, इसका मतलब पोहा अच्छे से भून गया है। तो इसमें लास्ट में डाल लें मूंगफली जो भून के रखा था और इसको अच्छे से मिक्स कर लें इसमें। बहुत ही टेस्टी लगता है ये नमकीन, आप इसको ज़रूर बनाइएगा, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। और ये देखिए पोहा हमारा भून के तैयार हो गया है। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये लीजिए गर्मा गर्म पोहे की नमकीन हमारी तैयार है। चाय के साथ इसे सर्व करें, बहुत पसंद आएगा। और रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।